आज अगर कुर्बानी पर इस तरह बंदिश लाई जाएगी तो कल आगे चल के नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, इस्लाम धर्म के जितने भी आमाल है उन तमाम में दिक्कत आएगी। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर में गुंडागर्दी दादागिरी बढ़ती जा रही है। लोग कुत्ता गोली खा करके, गांजा खा करके, शराब पी करके और इस तरह दीगर नशा और चीजें, गुटखा वगैरह का कारोबार धूमधाम से चल रहा है। उसकी वजह से इन चीजों की खरीदो फरोख्त जो हो रही है गैर कानूनी तरीके पर, इस पर बंदिश आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। यहाँ के रहने वाले हर शहरी को अपने धर्म के आधार पर जिंदगी गुजारने की पूरी पूरी आजादी है। अध्यक्ष महोदय, इसी महीने जुलाई में बकरीद का त्यौहार है। सरकार के गौ वंश के कानून का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उन्हें बकरा, बकरी, भैंसा और भैंस, जानवरों की ट्रांसपोर्टिंग और मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदो फरोख्त की सुविधा मुहैया की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की गाइडलाइन में अलामती कुर्बानी का एक लफ्ज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में अलामती कुर्बानी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज अगर कुर्बानी पर इस तरह बंदिश लाई जाएगी तो कल आगे चल के नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, इस्लाम धर्म के जितने भी आमाल है उन तमाम में दिक्कत आएगी। मेरी सरकार से आपके माध्यम से विनंती है कि कुर्बानी की इस अजीम इबादत और पूजा की अदायगी में सरकार सहूलत दे ताकि मुस्लिम समाज आसानी से इस अजीम इबादत और पूजा को अंजाम दे सके। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर में गुंडागर्दी दादागिरी बढ़ती जा रही है। लोग कुत्ता गोली खा करके, गांजा खा करके, शराब पी करके और इस तरह दीगर नशा और चीजें, गुटखा वगैरह का कारोबार धूमधाम से चल रहा है। उसकी वजह से इन चीजों की खरीदो फरोख्त जो हो रही है गैर कानूनी तरीके पर, इस पर बंदिश आनी चाहिए। नशा करके लोग लूटमार करते हैं, डकैती करते हैं, मजदूरों की मजदूरी कटर मार करके छीन लेते हैं। ऐसे हालात के अंदर जबकि पावर लूम मंदी है और लोग रोटी रोजी को लेकर के घर चलाने के लिए परेशान है, मजदूरों को इस तरह लूटा जा रहा है। मालेगांव शहर में लाइन अडर की सूरत हाल बिगड़ती और खराब होती जा रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है कि लाइन अडर की सूरत हाल बनी रहे और मालेगांव में गुंडागर्दी, चोरी डकैती के ऊपर बंदिश आए, रोक लगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। यहाँ के रहने वाले हर शहरी को अपने धर्म के आधार पर जिंदगी गुजारने की पूरी पूरी आजादी है। अध्यक्ष महोदय, इसी महीने जुलाई में बकरीद का त्यौहार है। सरकार के गौ वंश के कानून का पालन करते हुए मुस्लिम समाज के जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उन्हें बकरा, बकरी, भैंसा और भैंस, जानवरों की ट्रांसपोर्टिंग और मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदो फरोख्त की सुविधा मुहैया की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की गाइडलाइन में अलामती कुर्बानी का एक लफ्ज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में अलामती कुर्बानी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज अगर कुर्बानी पर इस तरह बंदिश लाई जाएगी तो कल आगे चल के नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, इस्लाम धर्म के जितने भी आमाल है उन तमाम में दिक्कत आएगी। मेरी सरकार से आपके माध्यम से विनंती है कि कुर्बानी की इस अजीम इबादत और पूजा की अदायगी में सरकार सहूलत दे ताकि मुस्लिम समाज आसानी से इस अजीम इबादत और पूजा को अंजाम दे सके। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर में गुंडागर्दी दादागिरी बढ़ती जा रही है। लोग कुत्ता गोली खा करके, गांजा खा करके, शराब पी करके और इस तरह दीगर नशा और चीजें, गुटखा वगैरह का कारोबार धूमधाम से चल रहा है। उसकी वजह से इन चीजों की खरीदो फरोख्त जो हो रही है गैर कानूनी तरीके पर, इस पर बंदिश आनी चाहिए। नशा करके लोग लूटमार करते हैं, डकैती करते हैं, मजदूरों की मजदूरी कटर मार करके छीन लेते हैं। ऐसे हालात के अंदर जबकि पावर लूम मंदी है
और लोग रोटी रोजी को लेकर के घर चलाने के लिए परेशान है, मजदूरों को इस तरह लूटा जा रहा है, मालेगांव शहर में लैंड अर्डर की सूरत हाल बिगड़ती और खराब होती जा रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है कि लैंड अर्डर की सूरत हाल बनी रहे और मालेगांव में गुंडागर्दी चोरी डकैती के ऊपर बंदिश आए, रोक लगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे कहने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमदार सुनील भुसारा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।